चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन आया है 2019 जेई मेंस 9 जनवरी वाले अटैम्प्ट में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एल आई टू पॉजिटिव एंड एल आई टू नेगेटिव ठीक है तो देखिए अब अगर आप एल आई टू पॉजिटिव में देखें पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सिग्मा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस टू एंड सिग्मा टू एस वन राइट तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आप निकालेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थ्री हैं एंटी बॉन्डिंग टू हैं तो थ्री माइनस टू डिवाइड बाई टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव वैसे ही एल आई टू नेगेटिव का देखिए वहां पे सात इलेक्ट्रॉन है सिग्मा वन एस टू सिगमा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू सिगमा स्टार टू एस वन राइट तो यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर देखिए तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चार हैं एंटी बॉन्डिंग थ्री है तो फोर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू अगेन जीरो पॉइंट फाइव तो पहली बात यह कि सर बॉन्ड ऑर्डर हमारा ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि ये एग्जिस्ट तो करेंगे ये दोनों स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी तो ये कहना कि बोथ आर अनस्टेबल ठीक है अब देखिए पहली बात अगर हम इन दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर है पर क्योंकि एल आई टू नेगेटिव में ओवरऑल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे तीन थे जबकि एल आई टू पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग सिर्फ दो हैं तो जिसमें ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा कम स्टेबल होता है तो ये बात है कि स्टेबिलिटी में एल आई टू पॉजिटिव ज़्यादा है पर ये नहीं पूछा हुआ तो बोथ आर अनस्टेबल एल आई टू पॉजिटिव इज अनस्टेबल दूसरा स्टेबल है ये ऑप्शन आउट हो गई ये ऑप्शन भी आउट होगी कि एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है बॉन्ड ऑर्डर उनका जीरो पॉइंट फाइव है दोनों रफली रफली कंपेरेबल हैं बट फिर भी अगर एक दूसरे को क्लियरली बताना हो तो एल आई टू पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन एल आई टू नेगेटिव ठीक है और क्योंकि जीरो से बड़ा बॉन्ड ऑर्डर रहा है तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो हम कहेंगे बोथ आर स्टेबल ठीक है क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हाँ पर इनकी बॉन्ड लेंथ लंबी होगी और बॉन्ड एनर्जी कम होगी मतलब बॉन्ड थोड़ा आसानी से तोड़ा जा सकता है